हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह का मेरा पूरा सारा काम हो चुका है। यहाँ पे गोलू ने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है ना, और बस अभी मेरी चाय बन रही है। मैंने यहाँ पर पैकिंग की है, आरना स्कूल में गिफ्ट लेकर गई है अपनी टीचर के लिए, तो अभी जिसको उठाकर रखना है। और बाहर कपड़े, तो सारे कपड़े वॉश हो गए मेरे। सारे कपड़े वॉश हो चुके हैं। ये छोटे छोटे कपड़े दिख रहे हैं ना, ये युवान के हैं, तो गर्मी के सारे कपड़े मैंने धो दिए। आरना के स्कूल की ड्रेस भी मैंने निकाल दी है, और हवा बहुत ठंडी चल रही है बाहर। इसको बंद करते हैं। और रूम भी बिल्कुल साफ। जो साड़ियाँ हैं ना, ये तो कल मैंने सब साफ किया था बेड वेड, तो वो साड़ियाँ, वो साड़ियाँ हैं ना, तो उसको मुझे कहीं और रखनी है। तो देखती हूँ कहाँ रखती हूँ, क्योंकि बेड में जगह नहीं है। और इसमें से कुछ साड़ियाँ ऐसी है जो मैं नहीं डालती हूँ, तो वो भी मैं सोच रही हूँ कि किसी को दे दूँ। और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर युवा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लग जाएगी गोलू, लग जाएगी। चलो भाई, अब हम जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम हो रहा है, 9:30 होने वाले हैं। अच्छा, हम जा रहे हैं आरना के स्कूल। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आरना के स्कूल में छोटी सी पार्टी है, पेरेंट्स को भी बुलाया गया है, तो हम रेडी हो चुके हैं। हमको 10 बजे निकलना था, बट हम हो गए 15 मिनट लेट, जो कि आरना का एक डांस था वो मिस हो गया हमसे। और जैसे ही वाला डांस शुरू हुआ ना, तभी हम पहुंचे थे, तो मुझे पता चला कि आरना का डांस एक निकल गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सैशवी, आई एम सती न्यू केजी क्लास, टुडे आई एम टेलिंग यू अबाउट माय स्कूल। माय इट हैज वन प्लेग्राउंड एंड वन क्लास रूम, वन म्यूजिक रूम। My teacher name is Miss Pratibha Ma'am. Thank you. और हम पहुंचे हैं घर पर, 1:30 बज गया था आते आते। फिर खाना वाना खाया, सोए, थोड़ा सा लेट गई थी क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठी थी, इसलिए तो लेट गई थी। फिर शाम का टाइम हुआ, तो शाम को मैं बना रही हूँ। 4 बजे मैंने स्टार्ट कर दिया था गुजिया, जो मैं आपको बता रही थी कि रह गई थी, तो फाइनली वो भी मेरी बन चुकी है। और अब मैं जो नमक पा रहे हैं ना, वो मैं सेक रही हूँ। आरना को बहुत पसंद है, तो युवान भी खा लेता है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। तो थोड़ा ज़्यादा बनाया, पर वो भी आरना को इतने पसंद है ना कि उस ख़त्म ही हो गए, थोड़े से रह गए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं होली पर बनाऊंगी उसके लिए, तो वो खा लेगी। उसको जो बच्चों को पसंद हो ना, वही देना चाहिए, है ना। और एक तरफ देखो, मैंने दाल भिगो के रखी हुई है, मुझे दाल भी बनानी है। और इसको करते करते मुझे 7 बज गया था, और 7:30 बजे मैं अपने दोनों बच्चों को खाना दे देती हूँ। तो 7 बज गया, और आधा एक घंटा पूरा लेट हो गया खाना खाने में। तो आरना युवान को मैंने 8:10 पर खाना दिया, क्योंकि ये वाली दाल बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए। तो बस उन्होंने खाना खाया, थोड़ा सा लेट हो गया था सोने में, और फिर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई कि चलो मेरा ये जो काम मेरा पेंडिंग था, ये भी ख़त्म हो गया। और किस किस के घर पे गुजिया बनी है, ये ज़रूर बताइएगा मेरे साथ, ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आलू की चिप्स की भी सोच रही थी बना लूँ, बट हस्बैंड ने बोला कि वो कम पसंद करते हैं, मतलब घर के अंदर ना कम पसंद करते हैं, ज़्यादातर गुजिया और नमक पारे ये हो गया, या चावल की कचरी जो भी मैंने बनाया है, वो हमारे घर में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आलू की इसलिए फिर मैंने बनाया ही नहीं, और हिम्मत भी नहीं हुई बनाने की, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत है। क्योंकि पहले आलू को छोटे छोटे पतले पतले पीसीस में काटो, अच्छे से उसको धो, फिर उसको उबालो, फिर उसको सुखाओ, तो उसमें थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लगा। कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर बनाऊँगी। और ये हो गया था, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट डे हो गया था ये। और बस अभी यहाँ पर मैं सो के जस्ट आई हूँ, और जो चावल की कचरी थोड़ी सी रह गई थी ना, मैंने जो बनाई थी, वो भी मैंने सुखाने के लिए रख दी है। जाते हैं अंदर,
आर्ना को खांसी हो रही थी क्योंकि उसने कल स्कूल में खा ली थी आइसक्रीम, तो उसको तो रात में खांसी शुरू हो गई। तो उसके लिए मैं थोड़ी सी चाय बना के दूंगी, पहले पराठा दूंगी ताकि थोड़ा सा कुछ खाए। वैसे उसको भूख भी लग रही थी तो मैंने उसको फिर आलू का पराठा बना कर दिया। उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊंगी, ये भी पी लेगी, मैं भी पी लूँगी साथ में। अभी आरना सॉरी अभी गोलू और उसके पापा दोनों सो रहे हैं, तो चलो चलते हैं किचन में, करते हैं सुबह के काम सारे निपटाते हैं, और उसके बाद फिर हम करेंगे अपना जो भी काम होता है हमारा घर का, वो सारा निपटाना है, खाना बनाना है। कितने सारे काम होते हैं ना सुबह सुबह, इतने सारे काम होते हैं। चलो कोई नहीं, चलिए मैं ज़रा चाय का पानी रख देती हूँ और जो दूध है इसको भी मैं उबालने के लिए रख देती हूँ। गुड मॉर्निंग, मैं बना रही हूँ आरना के लिए चाय। कल आरना ने आइसक्रीम खा ली तो उसके उसको खांसी हो रही है, तो मैं सोचा कि चलो उसके लिए चाय बना देती हूँ। उठ गया वो, उठ गया गोलू भी उठ गया, और मैंने आरना को पराठा बना कर दिया था तो उसको भूख लग रही थी, और एक गाय के लिए रोटी बना दी है, तो मैं जब हस्बैंड जाएंगे ना तब ले जाएंगे, मैं रख देती हूँ। मैं गाय की रोटी हमेशा ही निकालती हूँ। एक ना ये, हाँ बेटा उठ गया वो, गोलू भी उठ गया, चाय भी दूध भी उबालना है मुझे। कहाँ है, आ गया वो, उठ गया। गुड मॉर्निंग, ओले 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 बच्चे, गुड मॉर्निंग, जय कर दो, जय जय कर दो, सॉरी सॉरी बोल दो, सॉरी सॉरी। चलो अभी चाय उबल रही है। गोलू को ना हमने क्या करा है कि ना जो गुड हैबिट होती है ना वो उसको बताना शुरू कर दिया है, तो वो एक ही बार में मतलब सीख जाता है, वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है सारी चीज़ें, बहुत जल्दी ही वो समझ लेता है। मेरे पास कमेंट भी आया था कि दीदी वो क्या क्या समझता है, हाँ और क्या क्या बोलता है, तो बोलता तो देखो अभी जैसे मम्मा तो उसने बोला ही नहीं अभी तक, मैं मेरे कान तरस गए, पर उस लड़के ने मम्मा नहीं बोला, और पापा बोलता है, बुआ बोलता है और दीदी बोलता है, और एक वर्ड वो बोलना सीख गया है, जैसे बुलाना होता है ना किसी को तो कहता है आ जा, मतलब हम बुलाते हैं कि आ जाओ, तो वो बोलता है आ जा ऐसे करके बोलता है वो, तो ये वर्ड सीखा है। और बाकी हमने उसको जैसे सॉरी बोला, अभी वो बोल रहा था तो हम कहते हैं कि कहीं गलती हो जाती है या मतलब इससे कुछ गिरा देता है तो हम बोलते हैं कि सॉरी बोलो, या इसने जैसे बुक्स वगैरह होती है तो उसको वो नीचे फेंक देता है या पैर रख देता है, तो वो ऐसे करके मतलब ऐसे होता है ना टच करके, तो कहते सॉरी बोलो या कान पकड़ के सॉरी बोलो, तो वो चीज़ ये सीख गया है, उसको कहीं भी सॉरी भी कहीं भी वर्ड सुनाई दी जाएगा तो ये सीधा ही दोनों कानों को ना ऐसे कर लेता है सॉरी, हेलो भी करने लग गया है। हाँ ये हेलो भी करता है, इसको बोलते हेलो करो, या कोई मिल जाता है तो हम कहते हैं जय करो तो जय कर लेता है, मतलब गुड मॉर्निंग तो वैसे तो बोलता नहीं बट जय कर लेगा। मंदिर में जैसे ही ये पूजा करते हुए कोई देखता है किसी को या फिर लगता है कि हाँ मंदिर में पूजा हो गई है तो अपने आप ये जय कर लेता है, तो ये सब चीजें जो है ना ये करने लगे। देखो इन दोनों का प्यार जय, अच्छा सुनो बोलो जय कर लो, जय जय, अच्छा सॉरी सॉरी कैसे बोलते, सॉरी ऐसे बोलते, और दीदी को हेलो कर लो, हेलो उस वाले हैंड से हेलो करते हो ना, हेलो। अच्छा मैंने ना कल फाइनली कल मेरे हो गए, मेरे को ना ये मैंने बना दिए, इसमें है नमक पारे, आरना को पसंद है, और इसमें है गुजिया। दिवाली नहीं है कल, कल छोटी होली है। अरे हाँ, और आप सभी को हैप्पी होली मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, ठीक है। तो ये बन गई गुजिया, और इसमें है चावल की कचरी, तो इतनी सी पता कितनी सारी मैंने तोड़ी थी और कितनी सी निकल कर है, जब सूख जाती है ना बहुत कम हो जाती है। दीदी, अरे हाँ मैं भूल गई, दीदी बोलता है, दीदी दीदी बोलता है, ये देखो बॉल से खेल रहा है। Kimmy? Kimmy? Thank you.
जब हम कुछ भी मांगते ना गिव मी, तो वो भी देते चाहिए। बहुत चीजें हैं, मतलब उसको जो अच्छी आदत है ना वो हम इसको बता रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है, सुन लेता है। ठीक है, तो चलो मैं चाय पीती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल छोटी होली है तो कल उसकी भी तैयारी करनी है, पूजा पूजा वगैरह भी है, मतलब पूजा करने जाएंगे। और आपकी सबकी होली कैसी रही मुझे बताइएगा, क्योंकि आई थिंक कल तो कोई, कल संडे है तो कल कोई मेरा ब्लॉग नहीं आएगा, ये संडे को पहुंची आई बेटी को पहुंची आई। चलो चलो भाई, चलो भाई, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली, हैप्पी होली, बाय।